हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर मालपुए। मैंगो फ्लेवर मालपुए बहुत अच्छे लगते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अलग लगता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। तो मैंने इसे बनाने के लिए 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। आप चाहें तो इसे मैदे में भी बना सकते हैं। मैंने गेहूँ के आटे में बनाया है और इसे हमें घोल लेना है, जिस तरह से हम मालपुए का घोल तैयार करते हैं। इसे घोलने के लिए मैंने दूध का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे पानी में भी मिला सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, 1 कप मैंने पूरा दूध डाल दिया है। इसका घोल तैयार करने में मुझे 2 कप दूध लगे थे। देखिए, ये पूरा लग गया था मुझे 2 कप दूध में। ये बहुत अच्छे से इसका घोल तैयार हो गया था। आप जब भी घोल बनाए तो स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा पहले से ही दूध ना डालें, नहीं तो उसमें लम्स पड़ जाएंगी और बाद में वो चिकनी नहीं होती हैं, उसमें गांठे बन जाती हैं। तो ज़रा ज़रा सा दूध डाल के ही पहले मिक्स करें और इसका बराबर सा इसका घोल तैयार कर लेना है। देखिए, 2 कप दूध में ये बहुत अच्छे से इसका घोल तैयार हो गया था, बिल्कुल सही। इसका घोल ना तो बहुत ज़्यादा पतला रहेगा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। और इसे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखा है। मालपुए के घोल को आप रेस्ट पर रखें, इससे मालपुए बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए, चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चीनी लिया है। आप जिस भी कप से मेजर करें उसी कप से मेजर करके पानी भी डालें, बिल्कुल बराबर, जितनी चीनी उतना पानी, तो चाशनी बहुत अच्छी बनती है। तो इसी से माप के मैंने 1.5 कप पानी डाला था। इसकी चाशनी हमें तार नहीं बनाना है, इसकी चाशनी को हमें गुलाब जामुन की चाशनी की तरह ही थोड़ा गाढ़ा रखना है। जब हाथों से हम उसे छुए तो थोड़ी हाथों में चिपकनी चाहिए, बस उतना ही हमें इसे गाढ़ा पकाना है। तो देखिए, मैंने 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है और इसमें अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैंने 3 इलायची को कूट के इसमें मिला दिया था ताकि चाशनी में अच्छा टेस्ट आए। अब कुछ केसर के धागे हम इसमें मिला देंगे। अगर आपके पास है तो मिलाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी बिना इसके भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैंने कुछ धागे इसमें केसर के मिला दिए हैं, इससे चाशनी का कलर बड़ा अच्छा आता है। तो चलिए, इसे उबाल लेते हैं अच्छी तरह से। 5 से 7 मिनट में ये चाशनी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इसकी चाशनी को हम कैसे चेक करेंगे। देखिए, ये उबलने लगी है, 5-7 मिनट में ये अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। देखिए, हो गई थी तो मैंने गैस की स्टीम को बंद कर दिया है। तो आइए चेक करते हैं चाशनी। देखिए, मैं जब गिरा रही हूँ तो लास्ट वाली जो बूंद है वो थोड़ी रुक के गिर रही है, बस इतना ही गाढ़ा हमें चाशनी बनाना है। तो आटे में मैंने 4 चम्मच आम की प्योरी को मिलाया है। मैंने आम को छील के मिक्सी में पीस लिया था और उसे ही मैंने 4 चम्मच इसमें यूज़ किया है और अच्छी तरह से मिला लिया है। गैस पे मैंने कढ़ाई रखा है और उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप अपनी पसंद से किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। देखिए, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें घोल डाला है और कुछ सेकंड इसे हम छुएंगे नहीं। उसके बाद हम इस तरह से तेल को इसके ऊपर हल्के हल्के उछालेंगे तो ऊपर के साइड से भी बहुत अच्छे से सिकने लगेगी, हल्की हल्की फूलने लगेगी। तो ऊपर के साइड से हल्की हल्की सिक जाए तो हम इसे पलट देंगे। देखिए, पलटने के बाद इसे दबाना नहीं है, थोड़ा देर रुक जाना है। 1-1.5 मिनट के बाद फिर हम इसे इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए, इस तरह से करने से मालपुए अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाते हैं और वो कच्चे नहीं रहते। और इसे इस तरह से दबा के एक्स्ट्रा ऑयल हम इसका निकाल लेंगे, उसके बाद हम चाशनी में इसे डिप कर देंगे। देखिए, यूँ देखिए चाशनी का कलर कितना अच्छा आया है। चलिए, दूसरा एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में इसमें हाथ ना लगाएं, कुछ सेकंड रहने दें। उसके बाद इस तरह से हम तेल को हल्के हल्के उछालेंगे इसके ऊपर और जब एक साइड सिक जाएगी तो हम इसे पलट देंगे। देखिए, सिक गई है एक साइड से तो इसे हम पलट देते हैं।
अब कुछ सेकंड के बाद हम इसे अच्छी तरह से दबा दबा के इसे तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से धीरे धीरे साइड साइड से दबाएंगे तो अच्छी तरह से ये फूल जाएगी। ये बहुत अच्छे से फूली फूली बनती है, इसे बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। देखिए इस तरह से दबाएंगे तो तेल इसके अंदर तक जाएगा और ये मालपुए अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे से पक जाएंगे। देखिए यूँ, देखिए इसे मैं छोड़ रही हूँ तो किस तरह से बैलून की तरह फिर से ये फूल जा रही है। बस इसे इसी तरह से हमें पका लेना है। देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इसे इस तरह से दबा के निकालेंगे तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसे चाशनी में डिप कर लेंगे। जब दूसरी वाली डालें तो आप पहली वाली जो चाशनी में डिप किया था मैंने उसे मैंने निकाल लिया है। बस इतने टाइम में उसमें चाशनी बहुत अच्छे से चली जाती है, इससे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं इसे। तो चलिए एक एक करके सभी मालपुए को मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। मेरी दादी कच्चे आम से बनाती थी, वो थोड़ा खट्टा मीठा लगता था, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसे हम लोग गाँव में खटबड़ी कहते थे, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जैसे पके हुए आम से बना है वो दादी कच्चे आम से बनाती थी। देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं। बस इसी तरह से हमें इसे सभी को बना लेना है। अगर आपको ये रेसिपी बनाने के बाद अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी और आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा। तो फिर आपसे के साथ मैं कच्चे आम वाली भी शेयर करूँगी कभी। इसका टेस्ट मीठा होता है, उसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा होता है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है इससे। देखिए इसी तरह से हम सभी को छान के निकाल लेंगे। देखिए सारे ही मालपुए मेरे बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। इसे फ्राई करने में थोड़ा समय तो लगता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए सारे ही मालपुए मेरे बनके तैयार हो गए हैं तो मैंने कर ली है प्लेटिंग। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी दिख रही है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग दें मुझे इजाज़त और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।